फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि फॉलोड बाय क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम फॉलोड बाय को कैसे इस्तेमाल करें। तो आइए फ्रेंड्स, इस कांसेप्ट को समझें। बहुत दिलचस्प कांसेप्ट है, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत पसंद आएगा। फॉलोड वर्ड फॉलो से बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, फॉलो मींस अनुसरण करना या पीछा करना या किसी के नक्शे कदम पे चलना। लेकिन आज के इस वीडियो में हम फॉलो के बारे में नहीं बल्कि फॉलोड बाय के बारे में सीखेंगे। फ्रेंड्स, हम वर्ड फॉलोड बाय का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमको कहना हो कि कोई दो नाउन या कोई दो चीज आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर ये आई तो दूसरा का आना तय है। जैसे जन्म के बाद मौत आती है, ए के बाद बी आता है, दिन के बाद रात आती है, ठंडी के बाद गर्मी आती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस जहां हम कहते हैं कि दो नाउन आपस में जुड़े हुए हैं, अगर एक आई तो दूसरे का आना तय है, के लिए सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम फॉलोड बाय का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो कि ए के बाद बी आता है तो आप कहेंगे ए इज फॉलोड बाय बी, यानी ए के बाद बी आता है। अगर आपको कहना हो कि जिंदगी के बाद मौत आती है तो आप कहेंगे लाइफ इज फॉलोड बाय डेथ, यानी जिंदगी के बाद मौत आती है। अगर जिंदगी आई है तो लाजमी है मौत भी आएगी, यानी ये दो नाउन आपस में जुड़े हुए हैं। अगर ये आया तो लाजमी है वो भी आएगा। दिन के बाद रात आती है तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डे इज फॉलोड बाई नाइट। ठंडी के बाद गर्मी आती है, विंटर इज फॉलोड बाई समर, यानी ठंडी के बाद गर्मी आता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को समझा कि जब आपको कहना हो कि दो नाउन आपस में जुड़े हुए हैं, अगर एक आया तो दूसरे का आना तय है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप फॉलोड बाय का इस्तेमाल करते हैं। जो नाउन आप पहले बोलेंगे उसे आप फॉलोड बाय के पहले लिखेंगे, और जो नाउन आप बाद में बोलेंगे उसे आप फॉलोड बाय के बाद में लिखेंगे। जैसे अगर आपको कहना हो जिंदगी के बाद मौत आती है तो पहले आपने बोला जिंदगी तो आप कहेंगे लाइफ, उसके बाद आप बोलेंगे इज फॉलोड बाय, उसके बाद आप कहेंगे डेथ, यानी लाइफ इज फॉलोड बाय डेथ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपने इस कांसेप्ट को अच्छा से सीखा। फ्रेंड्स, वाकई आपने अगर इस कांसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।